चलिए आज हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ्स की मल्टीपल चॉइस डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, ये दे करके यहाँ पे चार ऑप्शन है, बोल रहा है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, नॉन नंबर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या होगा, रूट 28 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 × 7, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होने वाला है, 7 × 7 × 7। ये कहाँ से आया, आपको कन्फ्यूज है तो इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। 343 का 7 से देंगे तो क्या होगा, ये 4 जाएगा, फिर ये 9 बार में, फिर 7 से देंगे तो 7, फिर 7 से देंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर पेयर बन रहा है 2 का और नीचे 7 का, तो 1 2 बाहर आएंगे, रूट के अंदर 7 पड़ा रहेगा। नीचे भी सिमिलरली 1 7 बाहर आएंगे, रूट 7 पड़ा रहेगा। अब रूट 7 कैंसिल आउट, तो बचा आपका क्या, 2/7। तो 2/7 पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसीलिए रैशनल नंबर की ऑप्शन को आपको टिक करना है। देखिए और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आपको टिक करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 16^-1/4 जैसे है आप इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक। मल्टीपल रूट में जो 16 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, इसका मतलब 16 को लिख करके इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/4। अब देखो बेस सेम है तो मल्टीपल के टाइम पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा, 16^-1/4 + 1/4, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 16^0। किसी भी नंबर्स की पावर 0 जब होता है वो क्या होता है, 1। तो इसीलिए 1 वाले ऑप्शन को आपको टिक मारना।